नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। बीजेपी ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रूस चीन की मौजूदगी में मोदी बोले, आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। SCO में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देशों ने इसे पॉलिसी बनाया। महाराष्ट्र में एक कंटेनर का ब्रेक फेल, कई वाहनों को मारी टक्कर, 10 से अधिक लोगों की मौत, 28 अन्य घायल। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने DERC चेयरमैन की शपथ पर रोक लगाई, 11 जुलाई तक नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी। PM ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, कहा आध्यात्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। नशे में धुत शख्स ने राष्ट्रपति भवन की दीवार से टकरा दी कार। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने की PM मोदी से मुलाकात। झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग, विवाहिता को मौत के घाट उतारा, कथित प्रेमी को पीटकर अधमरा किया। राज्यपाल के दौरे के एक दिन बाद बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में हिंसा। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। नीमराना रिसोर्ट फ्रॉड, राजकिशोर मोदी पहले भी जा चुके हैं जेल, नए केस में भी फर्जी दस्तावेज बनाने की धाराएं जोड़ी। जयपुर में विदेशी महिला को गलत तरीके से छूने का वीडियो वायरल। राजस्थान में नाबालिग का अपहरण, बदमाशों का पीछा कर रहे पिता की हत्या। चित्तौड़गढ़ से सीधे अहमदाबाद नई ट्रेन शुरू, क्षेत्रीय सांसद जोशी ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मतदाता जागरूक रथों को दिखाई हरी झंडी। यूपी के सहारनपुर में नशीले पदार्थों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की खास खबरों पर। अमेरिका में शूटिंग के दौरान घायल हुए शाहरुख खान, नाक और चेहरे पर आई चोट, मुंबई लाए गए, हालत ठीक। नानी 30 से मृणाल ठाकुर का फर्स्ट लुक रिवील, पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। टाइगर 3 में द डार्क नाइट के स्टंटमैन रिचर्ड बर्डन शामिल। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर आउट, 3 महीने के लिए फैमिली स्वैप करते हैं रॉकी रानी। अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा, बेयरस्टो का विवादास्पद आउट होना इंग्लैंड को वापसी के लिए प्रेरित करेगा। चीन की वांग जिनयू विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंची। बेयरस्टो के विवादास्पद आउट पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश मीडिया में माहौल गर्म। चीन के वांग चुकीन टेबल टेनिस में नए पुरुष विश्व नंबर 1 बने। अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई, सक्सेस 65,500 के पार निकला। प्रवर्तन निदेशालय पहुंची टीना अंबानी, विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में एजेंसी ने बुलाया था, कल अनिल अंबानी भी पहुंचे थे। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। जेलेंस्की ने बाइडेन से यूक्रेन को अभी नाटो में आमंत्रित करने का आह्वान किया। दंगों को लेकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलेंगे 200 से अधिक फ्रांसीसी मेयर। रूस ने 2 प्रमुख युद्ध मोर्चों पर 1,80,000 सैनिकों को तैनात किया। पाकिस्तानी आतंकी गुट ने चर्चों व ईसाइयों पर हमले की दी धमकी।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।